जय हिंद। अभी अभी बहुत अच्छी खुशखबर आई है तो सोचा आप लोगों को पहले बताओ। बहुत अच्छी खुशखबर आई है अभी, इसके लिए मैं सोचा चलो आपको बताओ। तुम्हारी भाई की आवाज, बहू की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई। इसके लिए अभी फिलहाल महाराष्ट्र में जितने भी सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस माफ कर दी, उनकी फीस माफ कर दी है। यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर वर्षाताई गायकवाड़ उन्होंने अभी फैसला लिया है कि जब तक स्कूल्स चालू नहीं होते तब तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल के फीस माफ कर दी गई है। तो ये है आपका साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जो अपने पे हंस रहे थे समझा, उनको बता रहो यह है भाऊ का पावर, समझा। भाऊ बोलते हैं, हाँ करके दिखाया, दिल्ली तक आवाज पहुंचा दिया, समझा। तो बहुत जल्दी स्टूडेंट्स को भी बहुत जल्दी इंसाफ दिलाऊंगा। अभी तो स्कूल की फीस माफ कर दिया ना, एक तो मेरा आंदोलन काम में आया ना, अभी देखो अभी वो भी करेंगे। ओके चलो, आई लव यू। ये खुशखबरी सुनानी थी इसके लिए आया था। आई लव यू। बहुत जल्दी डेट बताऊंगा। अभी अगर ये सरकार, ये सिस्टम अगर नहीं सुनता है ना मेरे स्टूडेंट्स का, तो बहुत जल्दी दूसरी डेट बताने वाला हूं और वो जगह भी बताऊंगा आपको, वो है मंत्रालय। अब मंत्रालय के सामने प्रोटेस्ट करूंगा। अगर फिर से, अगर अभी तक इन्होंने अगर स्टूडेंट्स को और उनके माता पिता को न्याय नहीं दिया तो अगला होगा मंत्रालय। इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक इन लोग आपका पीछा नहीं छोड़ता है तब तक मैं भी इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, तो हर माता पिता को इंसाफ मिलेगा। बस मैं इसलिए आया, मैं नहीं आने वाला था, अभी जस्ट फ्रेश हो गया, मैं सोचा थोड़ा सो जाता हूं, मैं सोया नहीं हूं मेरा।